नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक पीओ के लिए 4252 पदों पे आवेदन लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम सारी जानकारी आपको देंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बैंक पीओ के लिए 4252 पदों के लिए भर्ती कराई जा रही है और ये आवेदन आज से शुरू कर दिया गया है, ठीक है। यह 4 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे इसके लिए। और इसमें आप देख सकते हैं IBPCS ने जारी कर दिया है परीक्षा और साक्षात्कार दोनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें जो आयु सीमा है वह 20 से 30 वर्ष आपकी निर्धारित की गई है। आगे इसमें देख सकते हैं जो दिया गया है, मैंने इसमें बता दिया, ये 14 अगस्त यानी आज के दिन से लेकर 4 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे इसमें। और जो मेन बातें मैं इसको कोट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा गया है जो परीक्षा से लेकर नौकरी के लिए बैंकों का आवंटन है उसको शेड्यूल IBPS ने जारी कर दिया है, ठीक है। और इसके में जो योग्यताएँ हैं इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक या उसके समकक्ष उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी जो होंगे वही पास इसमें योग्य होंगे। यानी कि आपको स्नातक या उसके समक्ष उच्च शिक्षा ग्रहण किए रह होने की प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। स्नातक इसमें मांगा है, ठीक है। और इसमें जो आयु सीमा है मैंने आपको बता दिया है। और इसमें जो कुछ छूट दिए गए हैं, कुछ लोगों को छूट दिया गया है जैसे अनुसूचित जाति जनजाति भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 साल, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल एवं दिव्यांग के लिए 10 साल और विधवा और तलाकशुदा महिला के लिए 9 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। ये आपके तो मेन फैक्टर में आता है। और आगे आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन करने के लिए फीस है वह दिया गया है। अगर आप किसी दूसरी अनुसूचित और जाति से जनजाति से आते हैं तो आपके लिए 100 रुपये दिव्यांग के लिए दिया गया है, ठीक है, इन सब के लिए 100 रुपये लगेगा। और अगर आप अन्य कैटेगरी में आते हैं तो आपको 600 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। ये फीस है आपकी 100 रुपये, 600 रुपये। और इसका जो परीक्षा कार्यक्रम है प्रारंभिक परीक्षा का, यह 13, 14, 20 और 21 अक्टूबर को तय किया गया है। यानी कि 13 तारीख, 14 तारीख और 20 और 21 अक्टूबर को यह परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो अभ्यर्थी पास होंगे उसको 18 नवम्बर को मेन परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है, 18 नवंबर को होगी। और दिसंबर माह में परीक्षा का परिणाम भी आ जाएगा, यानी कि इसी साल यह वैकेंसी क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है। और अभ्यर्थियों का जो साक्षात्कार है उसको आप देख सकते हैं ये जनवरी फरवरी में कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको और न्यूज़ चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।